कीर्तन जो पहले शादी के फर्स्ट फंक्शन जो होता है कि कीर्तन से शुरू करते हैं, माता रानी का थैंक यू करते हैं जो इतना टाइम था निर्विघ्न संपन्न हो गया। आज उनका थैंक यू करने चलेंगे। आज है कीर्तन और कीर्तन में बच्चे नहीं जा रहे हैं, मम्मी भी नहीं जा रही, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जाऊंगी। तो वहां जो जो करेंगे दिखाएंगे आपको, कुणाल भी साथ ही चलेगा। तो देखते हैं जो जो करते हैं दिखाते हैं आपको। अभी बहुत सारे काम बचे हैं, जेंट्स के कपड़े नहीं आए हैं हमारे तो आ गए थैंकफुली, अब इनको टेंशन है। आप 20 से पहले जब लाएंगे ठीक है, नहीं आए जाएंगे तो शायद लोअर्स में ही मिले आप लोगों को ऐसे। तो बने रहिए ब्लॉग को, देखते रहिए जो जो करेंगे दिखाएंगे आपको और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिस्ट्री मैनर चाची जा रहे हैं थोड़े इधर हो और जा रहे हैं और सबसे खुशी की बात है स्कूटी में जा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलो भाई हम जा रहे हैं, ये बता दियो और कुछ नहीं खाया, एप्पल खा के जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली? मुझे हेड वॉश कराना है और वो ब्लो ड्रायर भी कर देंगे क्योंकि शाम को उसका कीर्तन भी जाना है। और मैं सोचू जेल पेंट लगा लूँ यार, रोज नेल पेंट लगा के ना मुझे एक सॉर्टेड हो जाएगा कि पूरी सबकी शादियां निकल जाएंगी। चलो जेल पेंट लगाते हैं, वहां चलती हूँ, कोई नहीं जा रहा, मिस्टर मैन और मैं जा रहे हैं, मिलती हूँ आपसे। मैं चप्पल लिया खेलने आए थे आज भी क्रिकेट और ये रो रहा है आउट हो गया पहली बॉल पे, तो कह रहे मैं कोई और बैटिंग दे दो। हाँ, ट्राई बॉल थी वो, नहीं मिलेगी, ये रोता है देखो क्रिकेट। मैंने ट्राई बॉल की तरह खेली। नहीं नहीं नहीं, ओ नाइस शॉट सना, नाइस शॉट, नाइस शॉट। जी फैम हेड वॉश हो चुका है, अब कराते हैं नेल, जेल नेल पेंट गोल्डन में सोच रही हूँ कुछ अभी होता है तो फिर बताती हूँ आपको। मेरा नेल आर्ट करने वाली है ये, हेलो कर दो। सना का भी इन्होंने किया और मेरा भी सुंदर सा करेंगी। अब ये देख लो आफ्टर बिफोर आपको दिखाएंगे, ये रहा बिफोर, हो चुके हैं ये देखो, अभी शायद दिख नहीं रहे होंगे बट बड़े सटल से बहुत अच्छे कर दिए इन्होंने। ये देखो कितने प्यारे यार, नाइस। और ड्रेस पे चले जाएंगे और मैंने ही कराया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे किए, नाइस। घर चल के दिखाती हूँ और ड्रेस के साथ दिखाती हूँ। मिस्ट्री मैन करा रहे हैं पेडीक्योर, मैंने नहीं कराया पर ये देख लो आपको उनकी शक्ल देखने को नहीं मिली, पैर तो दिखा दिए मैंने, नहीं हंस रहे हैं मिस्ट्री मैन। भैया हेलो कर दो, ये भैया कर रहे हैं, इन्होंने हेड वॉश मेरा किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा सैलो है, नाइस। मिस्ट्री मैम आ गई वापस, बच्चों को लंच करा दिया, जितनी जल्दी कर दिया, देख लो उसका गला, कुछ होता है घर में तो उसका गला पहले खराब हो जाता है, पर लोग बता दें मैं लंच नहीं करी, लंच में लंच क्या वहीं जाके कुछ खाऊंगी जो भी वहाँ होगा खाने में। yes. भुने में चने सुबह मेरे में सो गए थे तो अभी खा लेती हूँ। बादशाह भाई भी बैठे हैं। हाँ। गाना गा के सुना दो एक प्लीज। नहीं नहीं पाकिस्तान से देखा कमेंट आया क्या, वो कह रहे गुलाब करो उनका कोई फेवरेट है, वो कह रहे अंडर रेटेड है वो आर्टिस्ट। हाँ। उसके साथ आप लोग गाना वाना सॉन्ग निकालो तो उनके साथ करो, मैं बात करूँ। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, शौर्य सना का सॉन्ग तो रेडी है ऑलमोस्ट। हाँ तो उनसे कोलैब करो, बात करो उनसे। चलो करते रेडी फैम, हो गई है रेडी। हाँ, चाची रेडी, मैं भी रेडी हो गया हूँ और बच्चे नहीं जा रहे हैं आपको बता दिया मैंने। yes. जैसा कि मम्मी भी नहीं जा रही, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्रेजी फैम आ चुकी है, पीहू अब चल रहे हैं, बस फटाफट पहुंचते हैं, बहुत लेट हो गया। 4:17 पर हमें आदत है और मुझे लग रहा है शुरू भी नहीं हुआ होगा। लीना, हाँ ये देखो डॉली मामी भी आ चुकी है और लीना का खुद आज सगन की ड्रेस का ट्रायल था तो मुझे तो नहीं उम्मीद की शुरू होगा। कुणाल कह रहा कहीं खत्म ना हो गया है, भाभी हो सकता है नहीं, बस नहीं हो ही नहीं सकता, तो बस अब चलते हैं। दूर का थोड़ा सा पंजाइवा के जो पैच है ना उसमें रश बड़ा मिल जाता है, बस अब चलते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा तैयार हुई हूँ, देखो बताना, सिंपल ही तो हूँ, ये हंसते हैं बच्चे तो बस चलते हैं कीर्तन पे, इससे ज्यादा क्या ही तैयार होती। सना सोई गई थी और बच्चों से मिला ही दिया था आपको। yes. बस अब उसके बाद वहां से मुझे जाना है, ये सारे जेंट्स के कपड़े उठाने हैं बस। yes. क्योंकि ट्रायल तो हो ही गया था, बस उनके कपड़े उठा। हाँ हम तीनों जाएंगे, डॉली भाभी को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इनका वहां होना भी, यार कोई तो रुकेगा ना, तो फिर मुझे घर भी पहुंचना है क्योंकि जितने एक बच्चे सब घर है तो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे पता नहीं, बहुत हेक्टिक चल रहा है। पर चलो बने रहिए ब्लॉग को, देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। क्रेजी फैम यहाँ पहुंच चुके हैं मंदिर में, यही मंदिर है शायद, सनातन धर्म मंदिर, तो यहीं पे कीर्तन है और मुझे लगता है ओ ढोलकी आ गई, चलो चलो जीजा जी खड़े, देखो लीना के बाप, हेलो जीरे जीजा, हेलो कर दो, हेलो कर दो।
और यहाँ पर देखो सब डांस कर रहे थे यार, एक ना बड़ी मिक्स फीलिंग थी, इमोशनल भी थे, कहीं कहीं खुशी भी थी कि बच्ची चला अच्छे घर मिल गया उसको, अपने घर चली जाएगी, बट बड़ा ना मैं मतलब अंदर से उदास थे पर कोई उसको दिखा नहीं रहा था। और ये छोटी सी सब्सक्राइबर मिली थी, इतनी प्यारी, पता है ये रोज़ व्लॉग ना टीवी में देखती है, उसको लगा था टीवी से बाहर कैसे आ गई। अब जा रहे हैं छोले भटूरे का प्रसाद है, फटाफट खाते हैं, बहुत लेट हो गया, घर भी पहुंचना है और मुझे अभी वो रजौरी भी जाना है, रजौरी हम सबके कपड़े लेने हैं। ये सारे पकौड़े, ये छोले और ये भटूरे, और उधर है फिर काची लाइन में लगी हुई है। छोले बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। यस, प्लेट बना के मिलते हैं। मेरी प्लेट ये 3 इडियट्स वाली प्लेट, सारे व्लॉग देखते हैं क्रेजी फैम, ये देखो सब खाते हैं। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा वापसी का, बट जाना पड़ रहा है क्योंकि कपड़े लाने जरूरी है, पर 7:21 हो चुके हैं और मुझे 9 o'clock तक बच्चे, अब वो कह रहे हैं बच्चों को यहाँ बुला लो, बट कैसे पॉसिबल है, 9 बजे तक शौर्य की क्लास है, क्योंकि ना आगे मुझे उसकी ट्यूशन मिस करानी है, तो इसलिए आज मैं, मेरा दिल नहीं था मिस कराने का, कल भी जाना है चौकी पे, तो चलो देखते हैं अभी आज का, तो बिन बेदिल से जा रही हूँ मैं, पर ये काम भी जरूरी है, तो कोई बात नहीं, गीत गाने हैं, गीत दो रेडी किए हुए मैंने इसके, लीना की शादी के लिए ढोलकी में गाने वाले, तो 21 को देखते हैं, नहीं तो 19 को देखते हैं, जब टाइम लगा बीच में आके ढोलकी बजा लेंगे, क्या है, गीत तो चलते ही हैं लड़कियों की शादी में, लड़कों की शादी में, तो अब चलते हैं रजौरी और देखते हैं रश कितना मिलता है। 9 बजे तक मैं वापस पहुंच पाती हूँ कि नहीं पहुंच पाती कुछ नहीं पता। और आज वहां जाके पता है इतना अच्छा लगा, कितने लोग देखते हैं हमारे व्लॉग्स यार, फैमिली वाले पता नहीं होता ना, आगे फ्रेंड सर्कल वो आज मिस्ट्री मैन को देख देख के खुश हो रहे थे, अब तो मुझे लग रहा है फैमिली सर्कल में भी मिस्ट्री मैन को मास्क पहन के ही आना पड़ेगा। हाँ जी, वो कह रही है कि वो तो सिमरन मिलवाऊंगी आपको शादी में, मैंने मिलवाया था वैसे रोके पे, सिमरन कह रही है अगर आज आप नहीं आए वापस तो मैं एक्सपोज कर दूंगी मिस्ट्री मैन को। अब तो बताओ घर वाले ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें, तो चलो कोई नहीं, देखते पर प्यार करते हैं यार, मजा आता है सबके साथ इकट्ठे। अलीना भी पता ही बड़ी इमोशनल हो गई थी, रोई, लड़कियों में ना इतना उस टाइम मैंने अपने आप को कैसे संभाला ना, अगर हम भी सब ऐसे करते ना तो उसके लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि अब बिल्कुल दिन पास है और लड़कियों के लिए ये चीज, ये फीलिंग, मैं भी उस चीज से गुजरी हूँ और अब बिटिया है मेरी भी, तो मुझे, मैं उस चीज को मैं समझ सकती हूँ कि क्या इस टाइम इमोशंस होंगे, मिक्स इमोशंस होंगे। और हमने भी लीना को इतने से इतना बड़ा होते देखा है, तो यार मतलब भाभी को इतना शौक होता था इसकी शादी का कि तब तो छोटे होते ना, मुझे तब तो हंसी आती थी कि भाई कैसे किसकी शादी होगी ऐसे, इनफैक्ट सना हुई ना छोटी सी तो कहती थी ये जवान होगी ना, मेरे को इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो इसको इसकी शादी का बड़ा शौक था हमारे घर में सबको, तो फाइनली वो दिन आ चुका है, तो चलिए देखते हैं। पर इसके सामने हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है लीना के सामने कि, क्योंकि यार ये जो टाइम है ना 2-3 दिन का, पर आपको पता है कि मदर फादर के साथ आप सिर्फ इतने दिन ही हो और आगे जिम्मेवारियां पड़ जाएंगी, वो चीज़, ये जो बैचलर का ये जो टाइम होता है ना वो चीज़ वापस नहीं आता, बट उसका भी अपना मजा है और इसका भी अपना मजा है, तो दोनों फेज है लाइफ के, वो आपको करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अब रजौरी चलते हैं, और सामान रेडी है या नहीं है, क्योंकि हमने फिटिंग तो देख ही ली थी, बस उठाना है और कुछ नहीं करना, एक इयररिंग्स देखूंगी अगर मिल गए तो मुझे, क्योंकि जो वेडिंग डे पे पहनने हैं उसके साथ मेरे पास कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ रेडी पड़ा है, तो वो भी देखेंगे मिल जाता है तो बस। मैम पहुंच गए हैं रजौरी मार्केट, बिल्कुल 2 मिनट दूर था, पास था तभी वो कह रहे थे जाओ, हाँ ये तो बहुत पास है, अभी वापस भी जा रहे हैं, वापस तो जाएंगे, तो नहीं मैं बोल नहीं रही अभी, वो गाना नहीं बता सकती मैं, वो अभी रिवील नहीं करेंगे, तभी ढोलकी पे गाऊंगी मैं। मैम वस्त्र आ चुके हैं, अब बस सारे हमारे कपड़े मिल जाएंगे और फाइनलाइज हो जाएगा, यस, और फिर हमारे कपड़े भी डन,
बस हो रहा है अभी ये लास्ट चीज और ये हो गए चारों पांचों छह सात आठ नौ हाँ टाई है वो कल आई टाई रह गए मिस्ट्रीमैन की बाकी हम सबका मिल चुका है अच्छे लोग हैं कि वो कह रहे हैं घर भिजवाएंगे ये देखो ये बाकी सारे आ रहे मतलब सारे हो गए हम सबके कपड़े फाइनल प्रदीप मैम हो गए सारी चीजें आ चुकी है डिग्गी भरी हुई है और एक प्रोग्राम शायद और कुछ चेंज हो रहा है घर जाके बच्चों को खिला के देखते हैं अगर वापस गए क्योंकि दिल कर रहा है वो बोलियां डालने का yes, और इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है जो मेरी और आज माहौल भी है ना तो देखते हैं पर बच्चे जाएंगे तो कि yes, नहीं जाएंगे देखते हैं हाँ। बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए क्रेजी मैम इतनी देर लग गई आने में अब नया आइडिया ड्रॉप कर चुकी हूँ क्योंकि बच्चे बहुत भूख पे बैठे हुए हैं तो अब इस टाइम मेरी हिम्मत नहीं है तो रश को वापस क्रॉस करूँ वापस जाऊँ अभी देखेंगे उसके बाद जाएंगे 24 और ये देखो छोले भटूरे बहुत यम आए मतलब बहुत यमी है बच्चे भूख से तड़प हाँ मेरा तड़प रहे थे हमें तो बहुत अच्छा लगा कैसा लगा बहुत स्वाद थे बहुत स्वाद थे पकौड़े भी थे वो कहाँ पकौड़े पकौड़े भी पकौड़े पकौड़े कम खुशी से दिख नहीं रहे पलीना बहुत अच्छा आता था रीना रोई बहुत तेरी याद में कि मेरा भाई नहीं आया बट वो पता दिल से चाह रही थी कि सारे वापस आओ पर लीना बहुत रश है और आज है बर्थडे ईव हमारी आलिया की ब्लॉगिंग विद आलिया की और उसको आज हम इसलिए विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे आलिया क्योंकि ये ब्लॉग आएगा कल बर्थडे हैप्पी बर्थडे आलिया बहुत खुशियां मिले बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती रहो ऐसे ही क्रेजी फैम से जुड़ी रहो प्यार करती रहो कैसे हैं छोले भटूरे बढ़िया बादशाह भाई को अच्छे लगे सना खा रही है राइस चौरे से लेते हैं टेस्ट टेस्ट ऋतिक पकौड़े भी हैं चौरे पकौड़े भी हैं भाई मस्त है अमृतसरी मस्त चलिए क्रेजी फैम इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं बहुत थकावट हो गई पर बहुत मजा आया और थोड़ा थोड़ा इमोशनल भी हो गया इस बच्चे पूछा क्यों रोई लीना दीदी अभी छोटे हैं ये वो चीज फील नहीं कर पाएंगे चलो इसी के साथ एंडिंग करें आज को ये चौड़े करता है एंडिंग चलो वी विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन पीस